अगर सिर्फ मैं ट्रेडिंग से बात करूं, कितना आप अर्निंग कर लेते हैं? इतना कर लेते हो? डेली का अर्निंग सौ डॉलर यार, इसकी हमारी अर्निंग नहीं हो रही इतनी। तो भाई साहब, तो आज हम यूज कर रहे हैं बैंड लैब ऐप को, और बैंड लैब ऐप पे हम बनाने वाले एक बहुत ही तगड़ा कवर सॉन्ग। तो हम स्टेप बाय स्टेप पूरा गाना फोन पे बनाएंगे, और पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, बिकॉज अगर आप कवर सॉन्ग बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपको करने वाली बहुत ज्यादा हेल्प कर दीजिए। शुरू कर, कौन सा गाने का कवर बनाना? बताओ भाई अमन, आप बताओ कौन से गाने का बना? कार्तिक, कौन से गाने का कवर बना? तो हम करने वाले ये वाला गाना कवर। गेस करो जल्दी से कौन सा गाना, जल्दी जल्दी कमेंट करो। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम अपने फोन में बैंड लैब की ऐप को ओपन कर लेते हैं। ये फिर से हम बैंड लैब पे क्यों बना रहे हैं? स्पॉन्सर वीडियोस गाइस, स्पॉन्सर वीडियोस। स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, न्यू पे टैप करते हैं, स्विगी की एड आ रही है ऊपर, थोड़ा खाना वाला। तो अब हमने बैंड लैब की ऐप को ओपन कर लिया, हमारा प्रोजेक्ट भी रेडी हो गया। अब सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे सेटिंग्स में, और BPM है गाने की 95, यहाँ पे कर देंगे 95। इसको सब पता है पहले से कि BPM क्या है। स्केल क्या है? स्केल बताओ, जमन आप बताओ स्केल क्या। सी मेजर या ए मेजर? ए मेजर भाई, सी मेजर। अब प्रोजेक्ट की यहाँ पे की लिखी हुई है, की पे टैप करते हैं, यूज़ कर लेते हैं सी मेजर। तब स्टार्ट कर दिया, मैंने एक नया प्रोजेक्ट को ओपन कर दिया। अब यहाँ पे प्लस पे टैप करते हैं, और सबसे पहले हम कीबोर्ड को ऐड कर लेते हैं, पियानो को ऐड कर लेते हैं, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट। तो हमने ग्रैंड पियानो को ओपन कर लिया है। स्मॉल पियानो नहीं है इसमें, स्मॉल ओनली ग्रैंड, ओनली ग्रैंड, ओनली ग्रैंड। इसमें ग्रैंड पियानो ओपन कर लिया हमने, और सबसे पहले अब इसमें बनाते हैं हम कॉर्ड्स। अच्छा, इसमें सी मेजर स्केल लेते हैं, तो सर वो वाले नोट्स आते हैं सी मेजर स्केल के? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो बस ऐसे सेट कर देता है कि लाइक सेटिंग में जाके प्रोजेक्ट का स्केल क्या होने वाला है। ओके, तो कार्तिक आपके पास अपना फोन है? नहीं। अब कार्तिक हमें बताएंगे कि इस गाने की कॉर्ड्स क्या है। नो यूज ऑफ फोन, और बैंड लैब कौन चलाता है भाई? फोन वोन नहीं चलाते, फोन पे गाने नहीं बनाते। तो गाइस, जो हमने अभी बताया आपको, हम जैसे गए इसको ढूंढने, तो हमें जो कॉर्ड्स मिली वो है ए माइनर, डी माइनर, एंड देन ए माइनर, डी माइनर, ई माइनर। तो चाहे कोई भी गाना हो, चाहे अरिजीत सिंह का कोई गाना हो, चाहे मित्रास का कोई गाना हो, आपको बस गूगल पे जाके सर्च करना है गाने का नाम, और उसकी कॉर्ड्स आपको कॉर्ड्स मिल जाएगी। तो एक बात बता, मेरे गाने पे 100 views है, वो भी दिखा दे। तुमने बोला ना कोई भी गाना हो कॉर्ड्स दिखा देगा, तो मेरे गाने पे तो 100 views है, बाहर गेट है। तो गाइस, अब चलते अपने बैंड लैब की ऐप में, और फटाफट से इन कॉर्ड्स को क्रिएट करते हैं। डबल टैप, सबसे पहले ए माइनर कॉर्ड को क्रिएट करते हैं। तो गाइज, आपने प्रोसेस देख लिया होगा और हमने कॉर्ड्स को बना लिया है, तो एक बार सुनते हैं। तो आप क्या करते हैं, बहुत ही छोटा सा पीस था, तो अब इसको हमें लूप करना है, ये बार बार आता रहे, तो हम इस पर टैप करेंगे, और यहाँ पे लूप फंक्शन है, इसको सेट कर सकते हैं हम 4 बार के लिए, 4 बार के लिए सेट कर लेते हैं, टिक लगा देते हैं। इससे क्या हुआ, ये कॉर्ड जो है, अगर आपको थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन हो तो गाइस, अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक एक आपके लिरिक्स के साथ कॉर्ड्स मेंशन्ड है, और अभी हमने ये वाली कॉर्ड्स बनाई है ए माइनर, डी माइनर। गा के तो दिखा दे ए माइनर के साथ। अब मैं गा तो दूंगा, बट अब इतना बढ़िया गा दूंगा कल को फिर मैं आ जाऊंगा मूवीज में, अब मेरे को ही तो नहीं आना मूवीज में, दिक्कत यही है। गाइज, यहाँ से जो वर्ड्स अब आने वाले हैं, यहाँ से कॉर्ड चेंज होंगी, तो ये गाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ से इसको कट कर देते हैं और यहाँ ले आते हैं, और जो नई कॉर्ड्स आई हैं उसको क्रिएट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो जो बिल्डअप की कॉर्ड्स भी थी वो भी हम बना चुके हैं, एक बार सुन लेते हैं। हमारे सिंगर आ गए चले गए, अभी उनकी एंट्री हुई नहीं है गाइस, उनकी एंट्री धमाकेदार होगी। गाइस कॉल आ रहा है, हेलो, हाँ जी अमरिक सर मुंबई, एक सेकंड में आ रहा हूँ बस। और आप फटाफट से हमारे कोरस की कॉर्ड्स भी बना लेते हैं, मतलब फिर से उसको बनाते फिर यही करते रहेंगे बिल्कुल तब से यही करे जा रहा हूँ मैं, अब रख रहा हूँ ठीक है, रख दे। अब तू आ जा, तू गाना बना दे, हम वीडियो बना देते हैं। क्या कर रहे हो आप? बीट्स बना रहे हैं जी, फोन पे? हाँ फोन पे। क्या बात है भाई, आप कौन हो? मैं कौन हूँ? क्लाइंट भी नहीं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, कॉर्ड्स बन चुकी है, बनाते हैं इसके नीचे बेसलाइन। सबसे पहले मैं करूंगा प्लस वाला बटन दबाएंगे, साउंड इनटू इंस्ट्रूमेंट नहीं वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट में सर्च करते हैं हम बेस। तो बेस सुन के देखते हैं, ये
ये लेनी चाहिए, मतलब अगर गाना बना रहे हो ना अरिजीत सिंह का, तो ये वाली बेस 808 सैचुरेटेड बेस। ये मैं चले आ, मैं चले आ, ये ड्राइव बेस क्या क्यों ले सकते हैं गाड़ी चलाते हुए? हाँ ड्राइव बेस बढ़िया है, तो वी विल टेक ड्राइव बेस। और अब क्या करते हैं, कॉर्ड्स को कर लेते कॉपी, करते पेस्ट, कुछ नहीं करना, जूम आउट करो। तो भाई सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं और डिलीट कर देते हैं। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम कॉर्ड्स के रूट नोट्स को रख रहे हैं, बाकी सारी जितनी भी चीजें ऊपर के जो उसके 3 और 5 जो कॉर्ड में होते हैं, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो क्या करना है, वीडियो देखना और एक बार आके सुनते हैं कैसे लग रहा है। बेस तो फोन पे पता ही नहीं चलेगी, तो हमें पहनने पड़ेंगे हेडफोन्स। बहुत ऊपर है भाई, इसको ऊपर नीचे डालते हैं थोड़ा सा, और नीचे आएगा। और इसमें थोड़ी सी अनोइंग हाई फ्रीक्वेंसीज हैं, उसको हाई कट कर देते हैं। यहाँ पे चलते हैं इफेक्ट्स प्लस मिक्सिंग भी फोन के स्पीकर्स भी होती है। अब गाइस जो बाकी कॉर्ड्स हैं उनकी रूट नोट्स भी एज इट इज नीचे ऐड कर देते हैं। तो भाई देखो बेस लाइन बन चुकी है और अब एक बार सुन के देखते हैं। A1 लग रही है एकदम हमारी बेस लाइन। तो अब क्या करते हैं, जल्दी से ड्रम्स डालते हैं और ड्रम्स डालने के लिए हम फिर से दे देंगे फोन उत्कर्ष को। फोन आ गया मेरे पास गाइस। तो ड्रम के लिए हम इसमें ड्रम लूप्स होते हैं, सब होते हैं देखो, बैंड लैब साउंड्स लूप्स एंड वन शॉट्स। तो हमने ऊपर एफ्रो सर्च कर लिया और आप लूप्स में भी जा सकते हो, पैक्स में भी जा सकते हो, हम पैक्स में चलेगा और ये मेरे को काफी अच्छा पैक लग रहा है एफ्रो का। तो यहाँ चलते हैं, कोई 99 के आसपास का कोई लूप नहीं है क्या 100 के आसपास? इसको प्लस पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखो ये सैंपल अब हमारा लूप आ गया, बस पीछे से सुनते हैं इसको। अब थोड़ी सी की वॉल्यूम हम कर देते हैं गाइस, तो बिल्कुल ही फट रहा है, थोड़ा फट सा रहा है। सेम सैंपल बैक में चलते हैं, ये यूज कर सकते अच्छा हैं, अच्छा लग रहा है। बेकार लग रहा है, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया, काफी घटिया लगा। तो गाइस बीट बन चुकी है बहुत ही ज्यादा तगड़ी, तो जल्दी से बुलाते हैं अपने सिंगर को और अब इस पे करते हैं वोकल्स को रिकॉर्ड। पैसे एक सेकंड गा मैं भी सकता हूँ वोकल्स पे। आज हम वोकल्स रिकॉर्ड करते हैं। तो आ चुके हैं हमारे दी बेस्ट, दुनिया में सिर्फ एक अनु मलिक से बेहतर अरिजीत सिंह को बीट करते हुए इंडियन आइडल जिन्होंने फाउंड करा है। दिव्यांश या तबियत खराब है फिर भी वो जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर स्टूडियो में है, तो उनके लिए एक लाइक कमेंट कर दो और मेरा पेटीएम नंबर यहाँ आ रहा होगा, मेरे को 1000 रुपए पेटीएम। इश्क में दिल बना है, इश्क में दिल फना है, ओ मैं सबको बोल के ओ, 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 वे मैं ता चल लिया। तो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं हमारे वोकल्स को और एक बार सुनकर देखते हैं रॉ वोकल्स कैसे साउंड कर रहे हैं। के ओ, 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 ओ मैं ता चल लिया, तेरी ओर तेरा चल लिया, है जोर तेरा होया मैं। तो गाइस आप देख सकते हो वोकल्स रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो गाइस अब वोकल्स को थोड़ा सा ट्यून में लाने के लिए हम ऑटो पिच बैंड लैब का बहुत ही बढ़िया फीचर है, हम उसको यूज करेंगे, जिससे वर्ल्ड के टॉप क्लास सिंगर की वोकल्स बाहर आती हैं। और आप एक और चीज नोटिस करी आप लोगों ने, हम फोन से सीधा स्पीकर पे प्ले कर रहे हैं ऑडियो, एक बहुत ही बेहतर इंटरफेस की वजह से। अब यहाँ पे हम हल्का सा राइट पे स्वाइप करते हैं, इफेक्ट्स पे जाते हैं, मेरा मेन यंत्र ऑटो पिच, हमारा स्केल है सी मेजर, मतलब इसको हैवी हैवी अप्लाई करें ना, मतलब इसको हैवी भाई हैवी हैवी हैवी। ओ मैं ता चल लिया, तेरी ओर तेरा चल लिया, है जोर तेरा होया मैं यार वे, भूल लिया है संसार वे। तब इस पे जाते हैं एफएक्स में, थोड़ी सी ईक्यू हल्के से ब्राइट करते हैं हमारे वोकल्स को, यहाँ पे सर्च करते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि हम इसी में ही प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, तो हल्के से हाई से ब्राइटनेस इंक्रीज करते हैं हमारे वोकल्स के। चल ले आ, तेरी ओर तेरा चल ले आ, है जोर तेरा।
स्टार्ट करते हैं हमारी एक रिवर्ब। अब यहाँ डालते हैं डिले और एको को हम पहले ऐड करते हैं फिर रिवर्ब ऐड करते हैं। तो गाइस अब हमारे ट्रैक को मास्टर करके एक्सपोर्ट कर लेते हैं। इस तीन डॉट्स पे टैप करते हैं, इसके लिए हम बैक जाएंगे बैक और उससे पहले एक हल्की सी मास्टरिंग कर लेते हैं। तो अगेन प्रोजेक्ट्स में चलते हैं, ये रहा बेसिकली कवर, इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे तीन डॉट्स पे आते हैं, एडिट मास्टरिंग पे जाते हैं, कोई भी प्रीसेट हम यूज कर लेते हैं, क्लैरिटी टेप फायर। इश्क में दिल बना है, इश्क में दिल फना है, फायर भी ठीक लग रहा है, अप्लाई कर देते हैं इसको और इसको 2-3 मिनट बाद ही मास्टरिंग हो जाएगी। उसके बाद इस गाने को हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप गाने को एक्सपोर्ट करने के लिए आप देख सकते हो लेफ्ट कॉर्नर में एक डाउनलोड बटन आ रहा है, इस पर टैप करते हैं, डाउनलोड एज ऑडियो पे टैप करते हैं। अब आप डायरेक्टली यहाँ पे अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, बट अगर आपको इसको इंटरनल फोन में डाउनलोड करना है तो सेव टू फाइल्स पे टैप करते हैं और यहाँ पे आप जो भी आपका फाइल फोल्डर है उस पर क्लिक करके यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इश्क में दिल बना है, इश्क में दिल फना है, ओ मिटा दे या बना दे, मैंने तुझको चुना है, ओ तेरे सारे रंग ओढ़ के, ढंग ओढ़ के तेरा हुआ मैं सब को छोड़ के, ओ इश्क निकरना ना तोल के, राज खोल के आया हूँ मैं सबको बोल के, ओ ओ ओ मैं ता चले।